हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्ते। सो आज है 1 जनवरी 2024 और नए साल में जैसे कि इंडिया के कल्चर के हिसाब से हम कुछ मीठा बनाएंगे, कुछ अच्छा शुरुआत करेंगे नए साल की। सो चलिए, तो आज बना रहे हैं हम सूजी का हलवा। तो मैं ले रही हूँ 1 कप सूजी और आपको बता दूँ अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। और जैसे ही मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ रख रही थी तो पता चला कि शुगर तो ख़त्म हो चुकी है। तो फिर बड़ी मुश्किल से शुगर का पैकेट ढूंढा कि हाँ कहीं ऊपर रखा हुआ है। और फिर बस अभी इसे मैं इस डब्बे में डाल दूंगी ताकि आराम से मैं आगे भी अच्छे से यूज़ कर सकूँ शुगर। बाकी ये साथ में मैं सुन रही हूँ भगवान जी के भजन, जिससे कि काफ़ी अच्छी वाइब फील हो रही है। और मुझे लगता है नए साल की शुरुआत इससे अच्छी नहीं हो सकती जिसमें आप भगवान का नाम ले रहे हो और साथ में कड़ा प्रसाद बना रहे हो। और अब कढ़ाई हो गई है गरम, हमने डाल दिया है घी और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप सूजी और इसको अच्छे से घी में मिक्स करूँगी। घी की क्वान्टिटी भी मैंने 1/2 कप रखी थी। So, बस ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अभी मुझे इसमें पानी का गिलास डालूंगी और ये रहा पानी का गिलास। बाकी आप बताइए कैसा आपका रहा न्यू ईयर, कैसे आपने सेलिब्रेट किया। और मैं भूल गई थी एग्जॉस्ट ऑन करना, सो हाँ अभी एग्जॉस्ट ऑन किया है। तो आपने कैसे सेलिब्रेट किया प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी शुगर और इसे मिक्स करेंगे दोबारा से अच्छे से। और अब हमारा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, आई कैन स्मेल इट, यम। और अब मैं डालूँगी इसमें रेजिन्स। यस, मेरे बेटे की बहुत ही फेवरेट है रेजिन्स, सो जब तक मैं हलवे में रेजिन्स ना डालूँ ही इज़ नॉट गोना ईट द हलवा। सो इट्स लाइक अ ब्राइब फॉर हिम कि हलवा में रेजिन्स है तो हलवा खा लो। सो इट्स लाइक दैट। And yes, I will try to avoid other nuts because he doesn't like to eat other sort of nuts in halwa. Also, I prefer to eat halwa without other nuts. So now halwa is ready with lots of raisins. सो यहाँ देख सकते हैं आप, एक बहुत बड़ा ह्यूज टास्क था मेरे लिए जो चलाना विदाउट मैच बॉक्स। फिर हम गए रात को डिनर करने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में और यहाँ की वाइब भी बहुत ही प्योर और हाई वाइब्स थी। और फिर हम गए रात को डिनर करने एक साउथ और बैकग्राउंड में इंडियन म्यूज़िक लगा हुआ था और लिटरली ऐसे फील आ रही थी जैसे मानो मैं कहीं बैंगलोर में बैठी हूँ। सो या और बस अभी बज रहे हैं 9:30 और इससे पहले हम गए विवान के फ्रेंड के हाउस। वहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया फ्रेंड्स के साथ, प्ले किया और गपशप की। ऑल दो वहाँ पे मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई you know, तो बस अभी मैं सोच रही हूँ अब सोने का टाइम हो गया है, उससे पहले थोड़ा सा हेयर केयर रूटीन फॉलो किया जाए। हेयर मसाज किया थोड़ा सा, अब अच्छे से इनकॉम करके इन्हें टाई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पूरी रात बने रहें। और वन इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि मैंने रिसेंटली अभी अपनी हेयर केयर रूटीन स्टार्ट की है एंड आई रियली फाउंड इट वेरी हेल्पफुल, आई कैन सी द डिफरेंस। सो यस, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सोने से पहले अपने हेयर अच्छे से टाई करके अच्छे से इन्हें यू नो वार्म अप करके इसे अच्छे से बांध लूँ। सो बस वही हो रहा है। और आज का दिन काफ़ी अच्छा था, इजी पीजी रिलैक्सिंग और
और होपफुली आप सभी का दिन भी अच्छा गया हो।